अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। आज के इस लेक्चर के अंदर इसके हम जितने भी सेक्शन हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इसके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इसके जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन का चैप्टर, सेक्शन नंबर 1 से लेके 2 तक। उसके बाद है सेकेंड चैप्टर आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, सेक्शन नंबर 3 से लेके 19 तक। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है इसका वो है आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट वेयर देर इज़ नो सूट पेंडिंग, जहाँ पर कोई सूट पेंडिंग नहीं है। उसके बाद है आर्बिट्रेशन इन सूट्स, सेक्शन नंबर 21 से लेकर 25 तक। उसके बाद है जनरल, सेक्शन नंबर 26 से 38 तक। उसके बाद है अपील्स, अपील्स का सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 39। और उसके बाद है मिसलिनियस, सेक्शन नंबर 40 से लेकर 49 तक। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक सेक्शन नंबर 1 के अंदर हमें क्या चीज़ बता रहा है कि इट एक्सटेंड इन द होल ऑफ पाकिस्तान, और इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 जुलाई 1940। उसके बाद आ जाते हैं हम डेफिनेशंस की तरफ। अब इसके जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस के वो एग्रीमेंट जो कि आर्बिट्रेटर के साथ आप करते हैं, जो कि आप जो है इन द फ्यूचर या फिर इन प्रेजेंट उसको फुलफिल करेंगे। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता किस तरीके से, वो भी हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि आर्बिट्रेशन जो आपके पास एग्रीमेंट होगा वो आप जो है, एक हमारे पास फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को ज़रा देख लें कि ये एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे पास एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो भी कंडीशंस, बोथ पार्टीज़ के कंसेंट के साथ जो भी कंडीशंस होगी वो कंडीशंस आप लिखेंगे, और फिर यहाँ पर आप बोथ पार्टीज़ की सिग्नेचर होंगी, और फिर बाद में सिग्नेचर होगी किसकी, आर्बिट्रेटर्स की, जो भी आर्बिट्रेटर्स आप सेलेक्ट करेंगे। अब ये तो हो गया सेक्शन नंबर 2 का क्लास 1, क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। उसके बाद जो सेकेंड है वो है अवार्ड। अब आप समझ रहे होंगे कि ये अवार्ड क्या चीज़ है, तो ये अवार्ड कोई नई चीज़ नहीं है। अवार्ड मीन्स के फैसला। अब यहाँ पर कोई डिसीजन का वर्ड यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर कोई कोर्ट का डिक्री का वर्ड यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर जो भी आर्बिट्रेशन आपको फैसला देगी उसको हम कहेंगे अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोर्ट। कोर्ट यहाँ पर कोर्ट मीन्स के ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट स्मॉल काजेस कोर्ट्स। स्मॉल काजेस कोर्ट्स के अलावा जितने भी कोर्ट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, सेक्शन नंबर 21 के अंदर डिस्क्राइब है। उसके बाद है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम पढ़ के आ चुके हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ डिसीज पर्सन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, जो कि डिसीज मरने के बाद अगर उसका बेटा हो गया, वारिस हो गया, उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उसके बाद रेफरेंस। रेफरेंस कि अगर कोर्ट किसी को रेफ़र करे कि आप उस आर्बिट्रेटर के पास चले जाएं, या फिर एम्पायर, या फिर आपकी थर्ड पार्टी एक जो है एम्पायर की सूरत में आपको रेफ़र करे कि आप जो है अपना फैसला किसी आर्बिट्रेटर के पास रखवाएं, तो उसको हम कहते हैं रेफरेंस। उसके बाद अच्छा, अब ये हो गए हमारे पास डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस के अंदर एक चीज़ आती है एम्पायर। एम्पायर क्या है? एम्पायर मीन्स के थर्ड पार्टी। एम्पायर मीन्स के एक थर्ड पार्टी जो कि आपको कहे कि आप जो है इसके पास अगर फैसला रखवाएंगे तो ये आपका फैसला बिल्कुल बरहक करेगा। एम्पायर मीन्स के कोई भी ऐसा शख्स जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ सलाह मशवरा करे, सिर्फ़ और सिर्फ सलाह मशवरा दे कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो बेहतर है। अब ये आर्बिट्रेशन एक्ट हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? आर्बिट्रेशन एक्ट सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए स्टडी नहीं कर रहे कि हम एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन एक्ट हम इसलिए भी स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि जो सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट होती है, जिसको हम कहते हैं कि पंचायत सिस्टम, या फिर हम देखते हैं कि वडेराशाही सिस्टम जो कि चलता हुआ एक निज़ाम आ रहा है, उसको अगर हम एज पर लॉ लेकर चलें तो किस तरीके कार से लेकर चलेंगे, उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट। अब आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर क्या होता है, लोग इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं, लोग जो है आर्बिट्रेशन की तरफ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर आप 89A पढ़ेंगे CPC का, तो वहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की। अब वहाँ पर सेक्शन नंबर जो 89 है वो ओमिट हुआ तब जब आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 आया। अब आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, ये तीनों की तीनों सूरतें क्या हैं? ये तीनों की तीनों सूरतें ये वो सूरतें हैं जो कि सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट होती है। चले, अब आर्बिट्रेशन का हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया। अब फर्दर हम चलते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ।
अब जो सेक्शन नंबर 3 है वो हमें क्या बता रहा है, प्रोविजंस इंप्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, प्रोविजंस इंप्लाइड ऑन ऑन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, के वो प्रोविजंस जो कि इंप्लाइड होंगे किस पर, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर, ये मैं बता रहा है सेक्शन नंबर 3। अब वो कौन से प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस हैं जो कि आपको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मिल जाएंगे आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर। उसके बाद है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 हमें क्या बता रहा है, सेक्शन नंबर 4 हमें बता रहा है एग्रीमेंट दैट आर्बिट्रेटर, एग्रीमेंट डेट आर्बिट्रेटर, एग्रीमेंट डेट आर्बिट्रेटर बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी, बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी। अब वो एग्रीमेंट जो कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी, कौन अपॉइंट करेगा, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स कि ना तो प्लेंटिफ ना तो डिफेंडेंट, जो बोथ पार्टीज, दो पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है, वो उन बोथ पार्टीज के अलावा कोई थर्ड पार्टी आकर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी। अब वो थर्ड पार्टी कौन हो सकती है, वो थर्ड पार्टी आपकी हो सकती है कोर्ट भी और आपका एम्पायर भी। अब एम्पायर की क्या था, एम्पायर हम पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 हमें बताता है अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और एम्पायर, ऑफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और एम्पायर, आर्बिट्रेटर और एम्पायर इररिवोकेबल एक्सेप्ट इन लीव ऑफ कोर्ट, इररिवोकेबल एक्सेप्ट इन लीव ऑफ कोर्ट। अब ये सेक्शन 5 हमें क्या बता रहा है, सेक्शन 5 हमें सिंपल ये बता रहा है कोर्ट चाहे तो, कोर्ट अगर चाहे तो, मे का वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, कोर्ट चाहे तो आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट को मनसूख कर सकती है, ठीक है, पर अपॉइंट पार्टीज के अपॉइंटमेंट के बाद मनसूख नहीं हो सकता। दो पार्टीज हैं, कौन सी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है तो उसके बाद तो मनसूख नहीं हो सकता, लेकिन अगर इन सम सर्कमस्टांसेस अगर कोर्ट चाहे तो उसको मनसूख कर सकती है आर्बिट्रेटर को भी और जो है हमारे एम्पायर को भी। फर्दर हम ये भी पढ़ेंगे कि ऐसी कंडीशन के जहाँ पर आर्बिट्रेटर का फैसला नहीं समझ में आ रहा तो एम्पायर भी फैसला कर सकता है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 हमें क्या बता रहा है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ पार्टी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ पार्टी, डेथ ऑफ पार्टी। इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 6 के अंदर हमें सिंपल यही बात बताई जा रही है कि अगर दो पार्टीज में से किसी एक पार्टी की मौत हो जाए तो भी वो आर्बिट्रेशन का जो एग्रीमेंट होगा वो बाइंडिंग होगा किस पर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर। इसीलिए हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव की एक हमें डेफिनेशन बताई गई। उसके बाद है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 बता रहा है इनसॉल्वेंसी के बारे में, इनसॉल्वेंसी। अब इनसॉल्वेंसी क्या है, दिवालियापन। ये बता रहा है कि अगर किसी पार्टी का दिवालिया हो गया है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इस पर भी इन्फोर्सेबल होगा। अगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग किसी पार्टी का दिवालिया हो गया, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, तो कोर्ट रिफर कर देगी आर्बिट्रेटर को। किस तरीके से, लेट सपोज हमारे पास एक प्लेंटिफ है, ये ए है, ये हमारे पास बी है, एक प्लेंटिफ है एक डिफेंडेंट है, ठीक है। अब ये जो बी है ये हो गया है इनसॉल्वेंट, क्या हो गया, ये इनसॉल्वेंट, इसका दिवालिया निकल गया है। अब क्या होगा, अब कोर्ट देखती है कि इसका दिवालिया निकल गया, अब ये तो कोर्ट की फीस पे करने के भी काबिल नहीं है, तो कोर्ट रेफर करेगी इसको कि आप जो है
बोथ पार्टीज को रेफर करेगी कि आप जो है किसके पास चले जाएं, आप चले जाएं आर्बिट्रेटर के पास। लेकिन शर्त इसकी ये है कि आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट हो चुका हो, आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट हो चुका हो और उसका दिवालियापन कब निकला हो, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेक्शन नंबर 8। अब सेक्शन नंबर 8 क्या हमें बता रहा है, सेक्शन नंबर 8 बता रहा है पावर ऑफ कोर्ट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर और एम्पायर। सेक्शन 8 पावर ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ कोर्ट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर और एम्पायर। क्या कोर्ट के पास पावर्स हैं कि कोर्ट जो है एम्पायर या आर्बिट्रेटर को मुंतखब कर सके, या कोर्ट के पास ये इख्तियार हैं कि कोर्ट जो है एक आर्बिट्रेटर को या एम्पायर को कह सके कि आप जो है इनका आपस में डिस्प्यूट को सॉल्व करवाएं, किस तरीके से। अब हमें ए के अंदर बता रहा है अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो केस पहले से ही, केस में पहले से ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पहले से हुआ हुआ है तो कोर्ट रेफर कर देगी किसको, आर्बिट्रेटर को या आर्बिट्रेटर्स को, किस तरीके से यहाँ भी समझ लेते हैं हम। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ठीक है, ये प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है। अब बोथ पार्टीज का एक एग्रीमेंट पहले से ही हुआ हुआ है, किस चीज़ का एग्रीमेंट हुआ हुआ है, एग्रीमेंट हुआ हुआ है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन उनका एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो कोर्ट देखेगी कि इनका एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पहले से हुआ हुआ है तो कोर्ट ये कहेगी कि आप जो है अपना फैसला आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर से करवाएं विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। यहाँ ये चीज़ बहुत समझ देगी कि विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, बोथ पार्टीज की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है बी, बी हमें क्या बता रहा है कि अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड है, ठीक है, अगर अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है और उस अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर की हो जाती है डेथ या फिर वो सिक है तो कोर्ट दूसरा आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकती है, किस तरीके से। ये ए और बी है और ये सी है हमारे पास आर्बिट्रेटर। अब कोर्ट देखते हैं कि या तो ये हो गया है सिक या तो फिर ये हो गया है या तो फिर इसकी हो गई है डेथ, तो फिर कोर्ट जो है इन दोनों के लिए एक नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद है सी, अगर बोथ पार्टीज का एग्रीमेंट होने के बाद भी वो कोर्ट आते हैं, ठीक, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बोथ पार्टीज़ का एग्रीमेंट भी हो चुका है फिर भी वो कोर्ट आती हैं, किस लिए कि आप ही हमारा फैसला करें, तो कोर्ट उन्हें कहेगी कि हमारे पास ना आए, आप जो है आर्बिट्रेटर्स के पास जाएं। इसके बाद एक पार्टी को पता चलता है कि हमारा फैसला जो है आर्बिट्रेटर के पास है उन, तो फिर वो जो है नोटिस करेगी किसको, नेक्स्ट पार्टी को। लेट सपोज कि ये बी जो है किसके पास आया, कोर्ट में आया। अब बी क्या करेगा, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बी ए को नोटिस करे किस चीज़ का, कि हमारा फैसला जो है वो आर्बिट्रेटर के पास है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर जो है ए नहीं आता, कब तक नहीं आता, इसके बाद भी, तो ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, किसको ऑर्डर दिया है, बी को, कोर्ट डेफिनेटली ऑर्डर पास करेगी कि आप जो है आर्बिट्रेटर के पास जाएं, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद भी क्या होता है कि पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस करती है और विद इन 15 डेज, अब यहाँ पर ये चीज़ है कि विद इन 15 डेज ए जो है 15 डेज के अंदर अंदर नहीं आता, और अगर ए 15 डेज के अंदर अंदर नहीं आ रहा दैट मीन्स कि ए इंटरेस्टेड नहीं है। अब ए इंटरेस्टेड नहीं है तो आर्बिट्रेटर, तो फिर क्या करेगी, कोर्ट जो है आर्बिट्रेटर को कहेगी आप एक्स पार्टी और जो है अपना फैसला दे दें, इसके हक में अपना फैसला दे दें, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक्शन नंबर 9। अब सेक्शन नंबर 9 हमें क्या बता रहा है, सेक्शन नंबर 9 हमें बता रहा है पावर टू पार्टी टू अपॉइंट न्यू आर्बिट्रेटर। सेक्शन नंबर 9 पावर ऑफ पार्टी टू अपॉइंट न्यू आर्बिट्रेटर। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, यहाँ पर बात की जा रही है कि पार्टी की पावर की, ठीक है, और इन सर्टेन केस, और इन सर्टेन केस अ सोल आर्बिट्रेटर,
कि एक सोल आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट हो सकता है और न्यू आर्बिट्रेटर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं। ये बात कर रहा है पावर ऑफ किसकी, पार्टी की। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर जो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है वो रिफ्यूज़ कर देता है, वो किस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं आपका फैसला नहीं करता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आप लोगों का फैसला नहीं करता, या फिर वो जो है मर जाता है, फिर दूसरी पार्टी न्यू आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी। ठीक है, अगर एक पार्टी 15 डेज के अंदर अंदर कोई भी अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करती तो फिर जो सेकंड पार्टी है वो अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी। ठीक है, वो अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी और फिर वो जो उसका फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा बोथ पे। किस तरीके से, यहाँ पर लेट सपोज कि ए है, यहाँ पर है बी। अब ए जो है विद इन 15 डेज अगर कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं कर पाता है तो फिर इसके पास इख्तियार है कि वो जो है अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे और उसका जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा बोथ पार्टीज पर बाइंडिंग होगा वो फैसला। ठीक है, उसके बाद है अगर दोनों पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाती है तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट उनको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे। डेफिनेटली हम अभी समझ कर आ चुके हैं, यहाँ पर वही बात की जा रही है, या फिर टाइम देगा उनको, यहाँ पर बात की जाए टाइम की, टाइम ग्रांट करेगा उनको ऑन सफिशेंट ग्राउंड्स। ठीक है, सफिशेंट ग्राउंड्स पर उनको एक टाइम देगा कि आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप जो है अपना न्यू आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें। उसके बाद सेक्शन नंबर 10, अब सेक्शन नंबर 10 हमें क्या बता रहा है, सेक्शन नंबर 10 हमें सिंपली क्या बता रहा है कि प्रोविजंस एज टू अपॉइंटेड ऑफ 3 or more आर्बिट्रेटर्स, यहाँ पर बात की जा रही है एक किस्म के पंचायत सिस्टम की। सेक्शन नंबर 10 प्रोविजंस, एज टू अपॉइंट थ्री और मोर आर्बिट्रेटर्स। कहाँ पर, किस कंडीशन में 3 or more आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि एक है हमारा प्लेंटिफ और एक है हमारा डिफेंडेंट। ठीक है, अब एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, एक आर्बिट्रेटर इसने अपॉइंट किया। ठीक है, एक आर्बिट्रेटर इसने अपॉइंट किया, क्लियर, एक आर्बिट्रेटर इसने अपॉइंट किया, एक आर्बिट्रेटर इसने अपॉइंट किया। फिर क्या होगा, फिर जो हेड आर्बिट्रेटर होगा वो हेड आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, ये बोथ, ये वाला आर्बिट्रेटर और ये वाला आर्बिट्रेटर, ये दोनों आर्बिट्रेटर्स एक हेड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और ये जो फैसला देगा वो बाइंडिंग होगा प्लेंटिफ पर भी डिफेंडेंट पर भी। क्यों, क्योंकि ये विद द कंसेंट ऑफ बोथ आर्बिट्रेटर्स हुआ है, डेफिनेटली इन दोनों की भी कंसेंट होगी तभी इसका जो फैसला होगा वो फैसला बाइंडिंग होगा डिफेंडेंट पर भी, प्लेंटिफ पर भी, डिफेंडेंट पर भी। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर एग्रीमेंट में ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है या हेड आर्बिट्रेटर जो बनेगा उसका जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा बोथ पार्टीज पर, तो जो मेजोरिटी का फैसला होगा वही फैसला माना जाएगा हतमी फैसला। उसके बाद है नेक्स्ट चीज़ कि अगर इक्वल आर्बिट्रेटर का फैसला है, अब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, किस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, लेट सपोज कि यहाँ पर हमारे पास 4 or 6 आर्बिट्रेटर्स हैं। अब एक और कंडीशन में आपको आपके सामने रखता हूँ, कौन सी, कि लेट सपोज कि ये हमारे पास है ए जो कि प्लेंटिफ है और ये हमारे पास है बी जो कि डिफेंडेंट है। अब इसके पास इसकी तरफ से भी 3 आर्बिट्रेटर्स हैं, 3 आर्बिट्रेटर्स और इसकी तरफ से भी 3 आर्बिट्रेटर्स, टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 6 आर्बिट्रेटर। अब क्या होता है कि अब ये तो ले रहा है इसकी साइड, ये ले रहा है इसकी साइड, अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि फैसला कौन करे, 6 आर्बिट्रेटर हैं, 3 इसकी तरफ से 3 इसकी तरफ से, 3 A की तरफ से, 3 B की तरफ से। अब समझ में नहीं आ रही दोनों को बात, वो बोल रहा है कि ये जो है प्रॉपर्टी जानी चाहिए ए को, वो बोल रहा है कि प्रॉपर्टी जानी चाहिए बी को। अब क्या होगा, अब जो है एक एम्पायर यहाँ पर आएगा, एम्पायर
एक एम्पायर को अपॉइंट किया जाएगा, किसको एम्पायर को अपॉइंट किया जाएगा, और वो एम्पायर जो अवार्ड देगा वो बाइंडिंग होगा किस पर, ए पर भी और बी पर भी, और वो जो अवार्ड देगा वो किस सूरत में देगा, दोनों की सर्कमस्टांसिस, दोनों की कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए वो अवार्ड देगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 11, अब सेक्शन नंबर 11 किस चीज़ की बात कर रहा है, पावर ऑफ कोर्ट टू रिमूव आर्बिट्रेटर्स और एम्पायर्स, पावर ऑफ कोर्ट टू रिमूव, पावर ऑफ कोर्ट टू रिमूव आर्बिट्रेटर और एम्पायर इन सर्टन केसेस, आर्बिट्रेटर्स और एम्पायर इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस के अंदर कोर्ट के पास इख्तियार आते हैं कि वो आर्बिट्रेटर को रिमूव कर सकती हैं, वो कौन से केसेस हैं, वो हमारे पास है कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज, कोर्ट जो है विद द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, कोई ए कोई जो है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अगर एप्लीकेशन देता है किसको, कोर्ट को, कि हम जो है इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आप जो है इस आर्बिट्रेटर को रिमूव कर दें, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको रिमूव कर देगी। इन अनदर सर्कमस्टांसिस कोर्ट जो है ये देखती है कि इसका जो फैसला है वो फैसला इस तरीके से है कि एक एक पार्टी की ज़्यादा फेवर की जा रही है, जैसा आजकल हो रहा है हमारे माशरे के अंदर, एक पार्टी की ज़्यादा फेवर की जा रही है, दूसरी पार्टी की फेवर की ही नहीं जा रही है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी कोर्ट जो है उसका उसको उस आर्बिट्रेटर को रिमूव कर देगी, या जो एम्पायर है उसको रिमूव कर देगी। उसके बाद अगर इस सेक्शन के मुताबिक अगर आर्बिट्रेटर रिमूव हुआ तो उस आर्बिट्रेटर का कुछ भी नहीं जाए उस केस से, और वो आर्बिट्रेटर उनसे कोई भी किसी भी किस्म का मुआवजा नहीं ले सकता। उसके बाद है सेक्शन नंबर हमारा 12। सेक्शन नंबर 12 क्या बता रहा है, सेक्शन नंबर 12 हमें बता रहा है पावर ऑफ कोर्ट वेयर आर्बिट्रेटर इज रिमूव्ड, पावर ऑफ कोर्ट वेयर आर्बिट्रेटर इज रिमूव्ड, वहां पर कोर्ट की पावर जहां पर आर्बिट्रेटर को रिमूव किया उसने, इसी को ये जो है एक्सटेंड कर रहा है, किसको सुपरसीड कर रहा है, 11 को, रिमूव्ड और हिज अथॉरिटी रिवोक्ड, और हिज अथॉरिटी रिवोक्ड, या उसके अथॉरिटी को रिवोक कर दिया जाए, किसी को एक तो आर्बिट्रेटर को रिमूव कर दिया आपने, या फिर जो है अथॉरिटी को रिवोक कर दिया, तो क्या होगा, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा कि अगर एक पार्टी उसको एप्लीकेशन देती है कि इसको रिमूव करें, फिर जो है सेकंड पार्टी एप्लीकेशन देगी कि अगर आपने एक को रिमूव किया है सो डेफिनेटली आप क्या करें, आप किसी और को, किसी और आर्बिट्रेटर को लेकर आए, एप्लीकेशन देगी किसको, कोर्ट को। अब वो एप्लीकेशन होगी फिल द वैकेंसीज़ की, किसकी एप्लीकेशन होगी, फिल द वैकेंसीज़ की, फिर कोर्ट एक न्यू आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी जो प्रोसीडिंग को चलाएगा डेफिनेटली। उसके बाद अगर आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज़ को सही फैसला नहीं देती तो सेक्शन 11 की एप्लीकेशन दे दी जाएगी, जहां पर इसी बात को दोबारा सुपरसीड किया जा रहा है कि सेक्शन 11 की एप्लीकेशन दे दी जाएगी कि हमारे एग्रीमेंट को ही कैंसिल कर दिया जाए। इट मींस कि सेक्शन नंबर 11 आपके आर्बिट्रेटर को रिमूव भी करवा रहा है, एम्पायर को और आर्बिट्रेटर को, और आपके जो आर्बिट्रेटर के साथ एग्रीमेंट हुआ उसको भी रिमूव कैंसिल करवा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन नंबर 13। अब सेक्शन नंबर 13 क्या बता रहा है हमें, सेक्शन नंबर 13 हमें बता रहा है पावर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, पावर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, कि आर्बिट्रेटर्स के पास कौन कौन से पावर्स हैं, आर्बिट्रेटर्स के पास पावर्स हैं कॉल द विटनेस, कि वो विटनेस को बुला सकती है, सेकेंडली हमारे पास है कैन टेक ओथ ऑफ पार्टीज, पार्टीज का ओथ ले सकती है, बी सेकेंड में हमें क्या बता रहा है, और किसी स्पेशल केस में कोर्ट उससे ओपिनियन लेगी तो वो ओपिनियन भी ले सकती है, ओपिनियन दे सकती है, टू गिव ओपिनियन इन एनी स्पेशल केस, केस टू कोर्ट, ठीक है। उसके बाद है सी, सी के अंदर हमें बता रहा है कि जो उसका अवार्ड होगा वो अल्टरनेट भी हो सकता है,
अल्टरनेटिव भी हो सकता है और जो है कंडीशनल अवार्ड भी हो सकता है। उसका जो अवार्ड होगा वो कंडीशनल भी हो सकता है और अल्टरनेटिव भी हो सकता है। उसके बाद है डी। डी हमें बता रहा है कि आर्बिट्रेटर जो अवार्ड देगी उसको करेक्ट भी कर सकती है अगर टू करेक्ट इट्स अवार्ड ड्यू टू क्रिटिकल क्लेरिकल मिस्टेक और एरर या फिर एरर की वजह से। उसके बाद है ई। ई हमें क्या बता रहा है कि और किसी पार्टी को इंट्रोगेट टू इंट्रोगेट एनी पार्टी किसी पार्टी को वो इंट्रोगेट भी कर सकती है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 14। अब सेक्शन नंबर 13 के अंदर हमने क्या चीज़ समझी, पावर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, के जो हमारे आर्बिट्रेटर्स हैं उन आर्बिट्रेटर्स के पास आखिर पावर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज़ के वो विटनेस को कॉल कर सकती है, उसी के अंदर है कैन टेक ओथ ऑफ पार्टीज, पार्टीज से ओथ भी ले सकती है वो। उसके बाद है बी टू गिव ओपिनियन, अब वो ओपिनियन भी दे सकते हैं अगर कोर्ट उसको रेफर कर रहा है कि आप ये एक स्पेशल केस आ गया हमारे पास, आप हमें ये बताएं कि इसके अंदर क्या करना चाहिए, अपनी ओपिनियन दें कि पहले भी आपने एक अपना एक अवार्ड दिया था इस कंडीशन के अंदर, तो फिर वो जो है अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं। उसके बाद है अल्टरनेट और कंडीशनल अवार्ड। अब आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर्स या फिर आर्बिट्रेटर जो भी अवार्ड देंगे फैसला सुनाएंगे वो कंडीशनल भी हो सकता है और अल्टरनेटिव भी हो सकता है। उसके बाद है टू करेक्ट इट्स अवार्ड, वो अपने अवार्ड को दुरुस्त भी कर सकते हैं अगर उसके अंदर कोई क्लेरिकल मिस्टेक है या एरर वगैरह है। उसके बाद है टू इंट्रोगेट एनी पार्टी, किसी भी पार्टी को इंट्रोगेट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 14। अब सेक्शन नंबर 14 के अंदर हमें क्या चीज़ बताई जा रही है, अवार्ड टू बी साइंड एंड सील्ड, अवार्ड टू बी साइंड एंड सील्ड। अब इस सेक्शन के अंदर हमें बताया जा रहा है कि जो भी अवार्ड होगा वो साइंड एंड रिटर्न सील्ड होगा, उसके अंदर जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनकी सिग्नेचर वगैरह होगी, स्टैंप वगैरह होंगे अगर उनके पास हैं तो, अदरवाइज उनकी जो साइंड है वही उन्हीं को सील माना जाएगा। उसके बाद साइंड एंड सील्ड होने के बाद क्या होगा, फर्दर वो पार्टीज़ को नोटिस करेंगी कि आपका ये हमने फैसला रखा है, ये हम आपका फैसला है, ठीक है, उसकी एक एक कॉपी दोनों पार्टीज़ को दे दी जाएंगी। और फिर अवार्ड देने तक जो भी अखराजात हुए हैं, फोटोकॉपीज में एक्स्ट्रा सेट कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो बोथ पार्टीज़ बाइंडिंग होगी कि वो एक्सपेंसेस पार्टीज़ अदा करें। उसके बाद है जो भी अवार्ड तक डेफिनेट, उसके बाद है जो कोर्ट ने स्पेशल, ये यहाँ पर वही बात हो रही है कि कोर्ट ने अगर कोई भी स्पेशल केस दिया तो उस स्पेशल केस के ओपिनियन को कोर्ट अपने पास रिकॉर्ड में रखेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 15। अब सेक्शन नंबर 15 हमें क्या चीज़ बता रहा है, पावर ऑफ कोर्ट टू मॉडिफाई अवार्ड, पावर ऑफ कोर्ट टू मॉडिफाई अवार्ड, कि कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट जो है अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है। मॉडिफाई मींस रीचेंज करना या फिर दुरुस्त करना, मॉडिफाई मींस के दुरुस्त करना या फिर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट या चेंजिंग करना। अब ये अवार्ड कोई भी अवार्ड है, कोई भी फैसला आया, अब उस फैसले के अंदर क्या होता है कि उस फैसले के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, ये उसके भी ग्राउंड समझते हैं हम। सबसे पहले तो ये चीज़ देखते हैं कि कोर्ट के पास भी ये देखें आप इख्तियार आते हैं। सबसे प्रीवियसली हमने क्या चीज़ देखी कि आर्बिट्रेटर्स के पास भी इख्तियार आते हैं कि आर्बिट्रेटर्स अपने अवार्ड को दुरुस्त कर सकती हैं, लेकिन अगर वो नहीं करती हैं तो कोर्ट के पास भी इख्तियार आते हैं कि कोर्ट उनके ही अवार्ड को दुरुस्त कर सकता है। अब वो कौन से ग्राउंड्स हैं, अब उनके ग्राउंड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला ग्राउंड तो ये कि अब उसका जो अवार्ड है, अवार्ड इज नॉट कनेक्टेड with problem of parties, let's
लेट सपोज के जो दो पार्टीज थी, उन पार्टीज ने कहा कि ये 10 लाख का मामला है, आप जो है इसे इस चीज़ को ये साबित करें, एक्सपायर कोई भी उनका डिस्प्यूट हुआ, तो उस डिस्प्यूट के ऊपर जो फैसला आया किस चीज़ का, आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेटर्स का जो फैसला आया, वो फैसला उसको इंटरकनेक्ट नहीं कर रहा था, इट मीन्स कि एक्स्ट्रा कोई बात लिखी हुई थी। तो ये चीज़ भी मॉडिफाई हो सकती है विद द मॉडिफिकेशन ऑफ कोड, कि कोड उसको मॉडिफाई कर सकता है किसको, अवार्ड को। पहली चीज़ ये पहला ग्राउंड क्या है कि अगर वो पार्टीज़ के प्रॉब्लम के साथ टच नहीं कर रहा। सेकेंड हमारे पास है कि कोर्ट चाहे तो अवार्ड को दुरुस्त कर सकती है अगर उसके अंदर कोई उसका हिस्सा नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट अवार्ड, अगर इनकम्प्लीट अवार्ड है। अब इसके अंदर हमें ये चीज़ बता रहा है कि इनकम्प्लीट अवार्ड तो है, लेकिन इसका मेन कोई भी जो एरर है या क्रिटिकल मिस्टेक है उसको इंटरकनेक्ट नहीं कर रहा उसका फैसला। लेट सपोज, अब मैं आपको क्लियर कराता हूँ। देखें, अब ये जो अवार्ड आया था उसके अंदर जो अवार्ड के अंदर जो डिसीजन आया किसका, आर्बिट्रेटर्स का, उसके अंदर कंडीशन लिखी गई 1, 2, फिर निगलेक्ट कर दी चीज़ें, तो वो जो है उस इनकम्प्लीट रही चीज़। अगर इनकम्प्लीट रही तो उस अवार्ड को कम्प्लीट कर सकती है कोर्ट, ठीक है। तीसरी चीज़, कोई एरर है या फिर क्लेरिकल मिस्टेक है। तो ये हो गया हमारे 15 सेक्शंस। अवार्ड टू बी साइंड एंड सील्ड, कि अवार्ड को साइन एंड सील्ड होना चाहिए। उसके बाद है सेक्शन नंबर 15, पावर ऑफ कोर्ट टू मॉडिफाई अवार्ड, कि कोर्ट के पास भी इख्तियार आते हैं कि कोर्ट जो है मॉडिफाई कर सकती है, दुरुस्त कर सकती है अवार्ड को, या फिर अमेंड कर सकती है अवार्ड को, ठीक है। अब उसके ग्राउंड्स कौन कौन से थे, उसके ग्राउंड्स थे हमारे पास, अवार्ड इज नॉट कनेक्टेड विथ प्रॉब्लम्स, जो पार्टीज़ का जो मेन मुद्दा था उस मुद्दे पर वो चीज़ नहीं आ रही। उसके बाद है इनकम्प्लीट अवार्ड, अवार्ड अगर इनकम्प्लीट है, उसके बाद है कि अगर कोई एरर या फिर क्लेरिकल मिस्टेक आ गई। अब उसके बाद सेक्शन नंबर 16 जो हमें बात कर रहा है वो किस चीज़ की बात कर रहा है, कहता है पावर टू रेमिट अवार्ड, कि किन किन सूरतों में कोर्ट जो है अवार्ड को रेमिट कर सकती है। कोर्ट के पास इख्तियार हैं इन सम सर्कमटांसेस। पहले सर्कमटांसेस तो ये कि ऑब्जेक्शन टू लीगेलिटी आ जाए, जहाँ पर ऑब्जेक्शन टू लीगेलिटी आ जाएगी वहाँ पर, और जहाँ पर इनकेपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, जहाँ पर एग्जीक्यूशन की पॉसिबिलिटी ना हो और वो जो उनका अवार्ड है वो इनकेपेबल हो एग्जीक्यूशन के, वहाँ पर। फिर उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक सफिशेंट टाइम बताएगी कि इस टाइम तक आप जो है अवार्ड दे दें, उसके बाद उनको ऑन दैट टाइम, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अवार्ड दे देना है। अगर वो उस टाइम तक नहीं देती तो फिर कोर्ट जो है उसके बाद टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती है। हम पढ़कर आ चुके हैं कि कोर्ट जो है टाइम को एक्सटेंड कर सकती है, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, और उसके बाद जो अवार्ड होगा वो अवार्ड वाइड हो जाएगा, वो अवार्ड जो है वाइड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 बता रहा है जजमेंट इन टर्म्स ऑफ अवार्ड, कि किन टर्म्स में जजमेंट दी जाएगी, अवार्ड अगर आ गया उसके बाद क्या जजमेंट दी जा सकती है या नहीं। सेक्शन नंबर 17 हमें इस चीज़ के बारे में बता रहा है। सेक्शन नंबर 17 हमें बता रहा है कि अगर सेक्शन नंबर 16 के मुताबिक रेमिट नहीं हुआ तो अवार्ड देने के बाद फिर जजमेंट उस अवार्ड के मुताबिक होगी। किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास ये आर्बिट्रेटर्स है, इन आर्बिट्रेटर्स ने दे दिया अवार्ड। अब अवार्ड देने के बाद क्या हुआ, अब जज जो है सेटिस्फाई इस अवार्ड से कि इस अवार्ड को रेमिट करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद इस अवार्ड पर ही आ जाएगी हमारे पास जजमेंट। इस अवार्ड के बाद हमारे पास आ जाएगी जजमेंट। तो ये हमारे को बता रहा है सेक्शन नंबर 17। उसके बाद सेक्शन नंबर 18 क्या डिस्कस कर रहा है, सेक्शन नंबर 18 डिस्कस कर रहा है हमारे को पावर, किस चीज की, पावर ऑफ कोर्ट टू पास इंटरिम ऑर्डर, पावर ऑफ कोर्ट टू पास इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर के मतलब क्या है, इंटरिम ऑर्डर के मतलब ये कि अभी तक अवार्ड नहीं आया तो कोर्ट जो है किसी एक पार्टी के फेवर में एक अवार्ड का कुछ हिस्सा दे सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है कि जब तक अवार्ड नहीं आता तब तक ये प्रॉपर्टी आपके पास हो, जब तक अवार्ड नहीं आता तब तक आप जो है इसको कुछ पैसे देते रहें। इट मीन्स के ए अवार्ड का कुछ हिस्सा, अब कोर्ट को ऐसा लग रहा है, कोर्ट ने ये डिस्क्रिशनरी पावर से कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो अवार्ड आएगा, या कोर्ट अगर बाद में देखती है
कि जो भी अवार्ड आएगा या फिर जो भी डिग्री पास होगी कोर्ट की तरफ से वो डेफिनेटली प्लेंटिफ की तरफ ही होगी। तो फिर प्लेंटिफ के हक में कोई इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है कोर्ट, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कोर्ट के। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 हमें बता रहा है, पावर टू सुपरसीड आर्बिट्रेशन। पावर टू सुपरसीड आर्बिट्रेशन वेयर अवार्ड बिकम्स वाइड और सेट असाइड, कि क्या पावर टू सुपरसीड आर्बिट्रेशन, क्या आर्बिट्रेशन के आर्बिट्रेशन को सुपरसीड किया जा सकता है जहां पर अवार्ड जो है वॉइड हो जाए या फिर सेट असाइड हो जाए। तो यहाँ पर सेक्शन 19 हमें बता रहा है कि जो सेक्शन 16 के अंदर हम रिसेंटली अभी पढ़ के आ चुके हैं, सेक्शन 16 के मुताबिक अवार्ड रेमिट हुआ है, कोर्ट इस अवार्ड को सुपरसीड कर सकती है। ठीक है, कोर्ट इस अवार्ड को सुपरसीड कर सकती है और फिर जजमेंट दे सकती है। किस तरीके से? लेट सपोज ये एक अवार्ड आया और फिर इसको जो है सुपरसीड कर दिया गया थ्रू द कोर्ट, उसके बाद जो जजमेंट पास होगी वो जजमेंट इस सुपरसीडेड अवार्ड के थ्रू ही पास होगी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 20। अब सेक्शन नंबर 20 जो है वो हमें क्या, किस चीज के बारे में बता रहा है? सेक्शन नंबर 20 बात कर रहा है एप्लीकेशन टू फाइल इन कोर्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सेक्शन नंबर 20 एप्लीकेशन टू फाइल इन कोर्ट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात कर रहा है ये कि एप्लीकेशन दी जाएगी कोर्ट में। किस तरीके से ये बात कर रहा है हमें? सिंपली कि अगर कोर्ट में केस आया है और आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करवाना है तो वो एप्लीकेशन देंगे कि इस केस को यहीं पेंडिंग में रखा जाए ताकि हम इस केस को सॉल्व करा सकें थ्रू आर्बिट्रेटर। अब यहाँ पर जो बात सेक्शन नंबर 20 के अंदर की जा रही है वही सेम बात आपको मिलती जुलती इससे बात मिल जाएगी आपको सेक्शन नंबर 34 के अंदर। तो 34 और 20 ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। वहाँ पर स्टे की बात की जा रही है, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन की बात की जा रही है कि जब आप देख रहे हैं कि हमारा जो मामला है वो हम जो है सेटलमेंट करवाना चाह करवा सकते हैं थ्रू आर्बिट्रेटर और हम करवाना चाहते हैं विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। ठीक है, तो आप एक एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में किस चीज़ की, कि हमारा एग्रीमेंट करवाया जाए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करवाया जाए। अब यही चीज़ बात की, यही चीज़ जो है लिखी गई सेक्शन नंबर 34 के अंदर। सेक्शन नंबर 34 के अंदर क्या लिखा गया वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो ये इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसका सब क्लास टू जो बात कर रहा है कि एप्लीकेशन कैन बी गिवन बाय प्लेंटिफ, इट मीन्स के पार्टीज टू सूट के अंदर कौन आ गया? डेफिनेटली पार्टीज टू सूट के अंदर आपका प्लेंटिफ भी आ गया, डिफेंडेंट भी आ गया। पार्टीज टू सूट कैन गिव द एप्लीकेशन, डेट मस्ट बी साइंड एंड सील्ड। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आ गई सब क्लास टू के अंदर। उसके बाद थ्री के अंदर हमें क्या कह रहा है? थ्री के अंदर हमें ये बता रहा है कि अगर प्लेंटिफ एप्लीकेशन देता है तो डिफेंडेंट अगर नहीं चाहता, किस तरीके से? लेट सपोज ये हमारा प्लेंटिफ है, ये ए है, ये प्लेंटिफ है, और ये बी है, ये डिफेंडेंट है, ये प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन दी है किस चीज़ की? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। ठीक है, कि हम जो है अपना सेटलमेंट, जो हमारा काज ऑफ एक्शन है वो जो है सेटलमेंट करवाना चाहते हैं किसके ज़रिए? आर्बिट्रेशन के ज़रिए। अब डिफेंडेंट कहता है मैं जो है इस आर्बिट्रेटर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो कोर्ट उससे डिफेंडेंट से पूछेगी, कोर्ट जो है डिफेंडेंट से क्वेश्चन रेज करेगी कि आप क्यों जो है आर्बिट्रेशन की तरफ जाना नहीं चाहते।
ठीक है। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट जो है रीजनेबल काज नहीं दे रहा, सफिशेंट काज नहीं बता रहा है, तो कोर्ट कहेगी कि आप जाके आर्बिट्रेशन के थ्रू ही अपना मसला हल करवाएं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आर्बिट्रेशन इन सूट्स, के आर्बिट्रेशन क्या सूट्स में हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। आर्बिट्रेशन इन सूट्स भी हो सकते हैं, आर्बिट्रेशन वहाँ पर भी हो सकते हैं जहाँ पर कोई सूट पेंडिंग में ना हो। अब यहाँ पर आर्बिट्रेशन इन सूट्स के अंदर हमने क्या चीज़ देखी? आर्बिट्रेशन इन सूट्स के अंदर हम देखते हैं सेक्शन नंबर 21 को। सेक्शन नंबर 21 हमें क्या बताता है? पार्टीज टू सूट, पार्टीज टू सूट मे अप्लाई फॉर ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, फॉर ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। कि पार्टीज टू सूट के अंदर कौन आ गया? पार्टीज टू सूट के अंदर दोनों पार्टीज आ गई, एक आ गया हमारे पास प्लेंटिफ और एक आ गया हमारे पास डिफेंडेंट। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि पार्टीज टू सूट अप्लाई कर सकती है किस चीज के लिए? रेफरेंस के ऑर्डर के लिए। अब ये रेफरेंस क्या है? रेफरेंस हम जो है डेफिनेशंस क्लासेस के अंदर पढ़कर आ चुके हैं कि रेफरेंस मीन्स के कोर्ट जो है रेफर करे दोनों पार्टीज को कि आप जो है अपना फैसला किसी एक आर्बिट्रेटर के पास रखवाएं या आप अपना फैसला उन आर्बिट्रेटर्स के पास जाकर रखवाएं, तो उसको हम कहते हैं रेफरेंस। तो पार्टीज टू सूट में अप्लाई फॉर ऑर्डर, अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि पार्टीज टू सूट एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट अप्लाई इन राइटिंग फॉर द ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। पार्टीज टू सूट किसी भी वक्त, पार्टीज टू सूट किसी भी वक्त अप्लाई कर सकती है ऑर्डर टू रेफरेंस के लिए बिफोर द जजमेंट, जजमेंट आने से पहले, कोर्ट की जजमेंट आने से पहले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 22 अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। अब जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर है वही वो इसी को ही सुपरसीड कर रहा है, किसको? 21 को। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के अंदर हमें क्या बात बताई जा रही है? अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ये बात बताई जा रही है कि जो भी अपॉइंट आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा वो विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट 23 के अंदर हमें बात की जा रही है कि ऑर्डर ऑफ रेफरेंस कि जो कोर्ट ऑर्डर देगी रेफरेंस का उसके बारे में बात की जा रही है। कोर्ट विल गिव रेफरेंस टू आर्बिट्रेटर एंड गिव पर्टिकुलर टाइम फॉर अवार्ड। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट एक पर्टिकुलर टाइम दे सकती है, टाइम देगी किसको? आर्बिट्रेटर को। आर्बिट्रेटर है या फिर आर्बिट्रेटर्स हैं उनको क्या देगी? उनको एक पर्टिकुलर टाइम देगी कि इस इतने टाइम तक आपको जो है इन पार्टीज का फैसला सुनाना है। ठीक है, अब कोर्ट चाहे तो उस टाइम को इन्हांस, टाइम भी एक्सीड कर सकती है, टाइम मतलब कि एक टाइम को आगे भी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जब ऐसा हो जाएगा, ये मामला हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट कैन नॉट इंटरवेंट इन सच मैटर। अब यहां पर ये बात कर रहा है कि उन मामलात में कोर्ट का कुछ नहीं जाए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर्स, कुछ कुछ ऐसे भी हमारा प्रोविजन है जहां पर कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पर ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सेक्शन नंबर 24। अब सेक्शन नंबर 24 किस चीज की बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 24 हमें बात कर रहा है रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रेटर बाय पार्टीज, रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रेटर बाय पार्टीज। अब रिसेंटली हमने क्या पढ़ा कि रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रेटर थ्रू कोर्ट, रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रेटर बाय कोर्ट। और नेक्स्ट हमने अभी रिसेंटली हमने क्या चीज़, कौन सी सेक्शन के पहले कौन सा सेक्शन डिस्कस किया कि कोर्ट को किसी भी वक्त एप्लीकेशन दी जा सकती है बाय द पार्टीज, पार्टीज टू सूट कोई भी पार्टी दे सकती है एप्लीकेशन, किस लिए? कि आप जो है ऑर्डर करें रेफरेंस का। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रेटर बाय पार्टीज, के पार्टीज भी रेफरेंस दे सकती हैं आर्बिट्रेटर का। ये कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन है हमारे पास 24। ठीक है, सेक्शन 24 बात कर रहा है रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रेटर बाय पार्टीज की, जिसके अंदर हमें बता रहे हैं कि वेयर देर आर मेनी डिफेंडेंट। अब लेट सपोज हम देखते हैं कि यहाँ पर तकरीबन, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पर एक्स वाई जेड, ठीक है, ये क्या है? ये तीनों के तीनों है प्लेंटिफ,
प्लेंटिफ्स हैं ये तीनों के तीनों। उसके बाद ए बी और सी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों हैं डिफेंडेंट। ठीक है, ये तीन प्लेंटिफ हैं और ये तीन जो है हमारे पास डिफेंडेंट है। अब क्या करते हैं, अब इसमें से जो हमारे पास एक्स है ये रेफर देता है किसको, कोर्ट को, कि मैं जो है अपना फैसला रखवाना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर एक आर्बिट्रेटर के पास। अब इसमें से जो हमारे पास डिफेंडेंट साइड है, डिफेंडेंट साइड में से ए, ए भी जो है रेफर करता है सेम ही सेम आर्बिट्रेटर को। ठीक है, वो सेम भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है, दो आर्बिट्रेटर्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब ज़्यादा प्लेंटिफ्स या ज़्यादा डिफेंडेंट्स हो गए, इट मीन्स के पार्टीज टू सूट दो पार्टीज से ज़्यादा होंगी, जब पार्टीज टू सूट दो पार्टीज से ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर ये आपका जो आर्बिट्रेटर है इसका अवार्ड सिर्फ और सिर्फ इफेक्टेड होगा उन्हीं पार्टीज पर जो उसको एक्सेप्ट करती हैं या फिर जो उसको मानती हैं, उसका रेफरेंस जो है देती हैं। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं, जो कोर्ट में आर्बिट्रेटर का रेफरेंस देगा डेफिनेटली पार्टीज अपनी कॉन्सेंट दे रही हैं, जो पार्टीज अपनी क्या दे रही हैं, कॉन्सेंट दे रही हैं। एक्स और ए अपना क्या दे रहे हैं, कॉन्सेंट, एक्स और ए अपना कॉन्सेंट दे रहे हैं, तो इन्हीं पर ये जो इनका अवार्ड आएगा फाइनल में, आर्बिट्रेटर का जो आएगा हमारे पास अवार्ड, तो ये बाइंडिंग होगा किस पर, एक्स पर और आपके ए पर। ठीक है, एक्स और ए पर बाइंडिंग होगा, बाकी किन्हीं भी पार्टीज पर बाइंडिंग नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25 हमें किस चीज़ के बारे में बताया, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेटर अंडर दिस चैप्टर। अब ये बोल रहा है कि इस सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 12, कौन कौन से सेक्शंस, आपका सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12, ये चार सेक्शंस आप याद रख लें। ठीक है, ये चार के चार सेक्शंस के मुताबिक आर्बिट्रेशन में कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। ठीक है, कोर्ट मुदाखलत कर सकती है और फिर उसको सुपरसीड कर सकती है, उस आर्बिट्रेटर के अवार्ड को, उस आर्बिट्रेटर को सुपरसीड कर सकती है और उसका जो ऑर्डर देगी वो ऑर्डर देगी कौन से सेक्शन में, सेक्शन 19 में, सेक्शन 19 में उसका ऑर्डर देगी। ठीक है, उसके अलावा कोर्ट किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। उसके बाद कोर्ट जो है, जो भी प्रोसीडिंग होगी कोर्ट खुद चलाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 26 आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि है जनरल का चैप्टर। अब जनरल का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हमने डिस्कस करने हैं सेक्शन नंबर 26 से लेकर 38 तक, सेक्शन नंबर 26 से लेके 38 तक। अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हम सेक्शन नंबर 26 को। सेक्शन नंबर 26 हमें सिंपल ही बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 26 हमें क्या कर रहा है, सेक्शन नंबर 26 कह रहा है कि एप्लीकेशन टू दिस चैप्टर आर्बिट्रेशन, इस एक्ट के तमाम प्रोविजंस डेफिनेटली सब आर्बिट्रेटर्स पर अप्लाई होंगे। आपके कोई भी ऐसे आर्बिट्रेटर जो कि बैकवर्ड एरियाज में है उन पर भी एप्लीकेबल है, आपके ऐसे आर्बिट्रेटर जो कि शहर में बैठे हैं उन पर भी एप्लीकेबल है, जो कि सियासत में इन्वॉल्व है उन पर भी एप्लीकेबल है। इस चैप्टर के तहत, इस एक्ट के तहत जितने भी आर्बिट्रेटर्स हैं ये पूरा का पूरा आर्बिट्रेशन एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा सेक्शन नंबर 26A क्या बात करता है कि अवार्ड टू सेट आउट रीजंस, अवार्ड टू सेट आउट रीजंस। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कोर्ट जब आर्बिट्रेटर एक अवार्ड देगा, जब आर्बिट्रेटर्स या आर्बिट्रेटर एक अवार्ड देगा तो उसमें अपने सारे के सारे रीजंस बताएगा कि मैंने किस रीजंस के बुनियाद पर अपना ये अवार्ड दिया है। अगर वो रीजंस नहीं बताता इन डिटेल, तो फिर कोर्ट उसको डायरेक्शन देगी कि आप जो है, ऑर्डर करेगी कोर्ट उनको कि आप जो है अपने अवार्ड के अंदर जो भी रीजंस हैं उनको इन डिटेल हमें बताएं कि आपने किस रीजंस के बेसिस पर ये अवार्ड पास किया, ये अवार्ड दिया है, ताकि उसको कोर्ट रिकॉर्ड कर सके, ताकि उसको कोर्ट अपने पास रख सके। अगर अवार्ड विथ रीजंस नहीं दिया तो कोर्ट वो अवार्ड वाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर अवार्ड जो है विथ रीजंस नहीं दिया तो फिर विथ क्रिटिकल मिस्टेक्स है तो फिर उसको क्लेरिफाई भी कर सकते हैं, उसको करेक्ट भी कर सकती है, लेकिन अगर रीजंस नहीं बताएं, जानबूझकर रीजंस नहीं बताएं, तो फिर वो अवार्ड क्या हो जाएगा, वो अवार्ड आपका हो जाएगा वाइड। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 27,
सेक्शन नंबर 27 किस चीज़ की बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 27 हमारे पास बात कर रहा है पावर टू आर्बिट्रेटर टू मेक एन इंटरिम ऑर्डर। अब यहाँ पर बात कर रहा है पावर ऑफ आर्बिट्रेटर टू गिव एन इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर या फिर आपके पास या इंटरिम अवार्ड। अब लेट सपोज के इंटरिम का मतलब होता है दरमियानी। किस तरीके से? दरमियानी इस तरीके से कि लेट सपोज कि हमारे पास जो अवार्ड है वो कंप्लीट अवार्ड अभी तक नहीं आया। आर्बिट्रेटर्स ने अपना अवार्ड अभी तक पास नहीं किया है, लेकिन उस अवार्ड से पहले कोई ऐसे सरकमस्टांसेस आए थे कि आप जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बता दें, जब तक अवार्ड पास नहीं होता तब तक आप अपना एक पर्टिकुलर हिस्सा बता दें कि तब तक हम क्या करें, तब तक क्या हम घर बैठे रहें, तब तक अगर मेरी ये जो है मेरे 10 लाख रुपये नहीं देता तो मैं कहाँ जाऊँ। तो एटलीस्ट वो उसको पास कर सकते हैं इंटरिम ऑर्डर, दरमियानी फैसला, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है उससे पहले दरमियानी फैसला दे सकती है कि आपका ये हिस्सा बनता है या आपका ये हक बनता है, आपको ये मिलेगा, किसी भी किस्म का हो सकता है वो, ठीक है। उसके बाद आता है 28 पावर टू कोट टू इनलार्ज टाइम, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है यहाँ पर। इनलार्जमेंट ऑफ टाइम मीन्स के कोर्ट चाहे तो टाइम को इनलार्ज कर सकती है, टाइम को बढ़ा सकती है अवार्ड देने में। अब अवार्ड का लेट सपोज कि एक जो है हमारे पर टाइम फिक्स कर दिया गया 1 मंथ, ठीक है। अब 1 मंथ के अंदर अगर अवार्ड पास नहीं हुआ तो क्या उस अवार्ड को नहीं माना जाएगा, तो क्या उस प्रोसीडिंग को वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा? नहीं, तो कोर्ट जो है उस 1 मंथ को बढ़ा सकती है, कुछ डेज दे सकती है, पर्टिकुलर 10 दिन 15 दिन दे सकती है कोर्ट। उसके बाद सेक्शन नंबर आ जाता है हमारे पास 29। अब सेक्शन नंबर 29 किस चीज़ की बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 29 आपका बात कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ अवार्ड। सेक्शन नंबर 29 इंटरेस्ट ऑफ अवार्ड कि क्या अवार्ड के साथ इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है? जी हाँ, लगाया जा सकता है। अगर आप सोच रहे नहीं तो लगाया जा सकता है इन मनी सूट्स। मनी सूट्स हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर कोर्ट जो है अवार्ड के साथ साथ इंटरेस्ट भी लगा सकती है। इंटरेस्ट मतलब के लेट सपोज कि अगर किसी का कोई प्रॉफिट था, किसी ने मिसाल के तौर पे ये ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। अब ए ने बी के 10 लाख रुपए खा लिए, किस तरीके से उसे उधार लिए 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए लेने की वजह से बी को जितना लॉस हुआ है वो तो बी ही जानता है। तो ए ने अगर 10 लाख रुपए लें तो 10 लाख के साथ साथ वो जो है 1 लाख रुपीज़ या फिर 50,000 रुपीज़ या जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है, उसका जो भी मार्कअप वगैरह बनता है, तो कोर्ट चाहे तो इंटरेस्ट भी लगा सकती है उसके ऊपर कि आप इतना इंटरेस्ट इसको देंगे। लेकिन ये होगा सिर्फ और सिर्फ मनी सूट्स के अंदर। उसके बाद सेक्शन नंबर 30 किस चीज़ की बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 30 हमारे पास बात कर रहा है ग्राउंड ऑफ सेट असाइड अवार्ड। किन किन ग्राउंड्स के तहत अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है? सेक्शन नंबर 30, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बता रहा है कि लेट सपोज ये वो ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स के अलावा सेट असाइड नहीं किया जा सकता। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? एक है हमारे पास आर्बिट्रेटर या फिर जो एम्पायर है उसने मिसकंडक्ट किया हो, ठीक है। दूसरा फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म चलाई हो, ठीक है। उसके बाद एक ही पार्टी को फेवर दे दिया हो, दूसरी को नहीं दिया हो। उसके बाद थर्ड, या कोई ऐसा अवार्ड दिया है जो लीगल प्रोसीडिंग पर इफेक्ट कर रहा है, विच इज इफेक्टेड टू लीगल प्रोसीडिंग। अब आप बोलेंगे कि लीगल प्रोसीडिंग का क्या जाए आर्बिट्रेशन अवार्ड के साथ? अगर पार्टीज जो है चली गई हैं किसकी तरफ, आर्बिट्रेशन की तरफ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ, तो फिर उसमें आपका लीगल प्रोसीडिंग का क्या अमल दखल है? डेफिनेटली अब आप देखें ये यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग के मतलब ये है कि अब रिसेंटली मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि जहाँ पर पार्टीज टू सूट
ज़्यादा हैं, पार्टीज टू सूट ज़्यादा हैं, प्लेंटिफ भी ज़्यादा हैं, डिफेंडेंट्स भी ज़्यादा हैं, तो जो पार्टीज टू सूट जिन पार्टी डिफेंडेंट और प्लेंटिफ में से जो कि एग्री हैं, जो अपनी कंसेंट देती हैं किसको, आर्बिट्रेशन को, उसके अलावा जितने भी पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज हैं उनके ऊपर उनका अवार्ड इफेक्टेड नहीं होगा। अगर वो इफेक्टेड है तो फिर क्या हो जाएगा, वो ग्राउंड टू सेट असाइड में आ जाएगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 बात करता है जुरिसडिक्शन की, कि कौन सी कोर्ट की जुरिसडिक्शन लगती है, कौन सी कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं लगती। सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर 31 के अंदर बात की जा रही है जुरिसडिक्शन की। अब इसके अंदर सिंपली हमें ये बता रहा है कि अवार्ड इसी कोर्ट में फाइल होगा जहां पर आपका केस पहले आया था, जिस कोर्ट ने आपको रेफर किया था या जिस कोर्ट के पास आप गए थे, जो जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन लगती है वहां पर ही आप अवार्ड देंगे। सेकेंडली, कोर्ट के अंदर जहां पर उसकी जुरिसडिक्शन है या फिर जिसने आपको रेफर किया, ठीक है। सेकेंडली, कोर्ट देखेगी कि जो अवार्ड दिया है इज ऑफ सच मैटर और नॉट, कि जो अवार्ड आप कोर्ट के पास लेके गए हैं वो अवार्ड उसी मैटर से रिलेटेड है, उसी मैटर का है या फिर किसी और मैटर का है। उसके बाद थर्डली, सेक्शन नंबर 31, उसके बाद थर्डली, जहां अवार्ड देंगे तो अवार्ड से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन देनी है वहां वो उसी कोर्ट के अंदर देंगे, एप्लीकेशन टू अवार्ड, एप्लीकेशन टू अवार्ड भी हो सकता है या एप्लीकेशन इंटरकनेक्टेड विथ अवार्ड, जो भी आपका काज ऑफ एक्शन है उस काज ऑफ एक्शन के अंदर जो भी आपके मैटर्स हैं वो उसी कोर्ट के अंदर होंगे, सेम कोर्ट के अंदर, एक ही कोर्ट जो कि स्टार्टिंग से चलती हुई आ रही है। उसके बाद सेक्शन नंबर 32। अब सेक्शन नंबर 32 बात करता है बार टू सूट कंटेनिंग कनेक्टिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अवार्ड। इसके अंदर क्या बात की जा रही है कि आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोर्ट में जो एप्लीकेशन देंगे वो इस एक्ट के तहत देंगे। किस तरीके से, जैसे लेट सपोज अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कोर्ट के अंदर तो वो एप्लीकेशन आप आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत देंगे, सीपीसी के तहत नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 33। अब सेक्शन नंबर 33 किस चीज़ की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 33 हमारे पास बात कर रहा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अवार्ड टू बी कॉन्टेस्टिंग बाय एप्लीकेशन, कॉन्टेस्टिंग बाय एप्लीकेशन, कॉन्टेस्टिंग है एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। किस तरीके से कि अगर अवार्ड को चैलेंज करना है, अवार्ड को चैलेंज करना है तो कोर्ट में देंगे जिसने रेफरेंस दिया था, कहाँ पर देंगे, जिसने रेफरेंस दिया था आपको, और कोर्ट उसके सफिशिएंट ग्राउंड देखेगी कि क्या इसके सफिशिएंट ग्राउंड बैठते हैं या नहीं। इस तरीके से आप चले गए एक कोर्ट में कि जो मेरा फैसला है ये जो है इख्तलाफी फैसला है, इसने मेरा फैसला सही नहीं दिया है, काज ऑफ एक्शन आप बताते हैं। अगर कोर्ट देखती है इसके सफिशिएंट ग्राउंड, अगर वो सफिशिएंट ग्राउंड ठीक है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आपको कहेगी आप जो है फर्दर जा सकते हैं, किसमें आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और डेफिनेटली चैलेंज करने के लिए क्या होगा, या तो फिर सेम आर्बिट्रेटर्स होंगे या फिर उन आर्बिट्रेटर्स के साथ दूसरे भी आर्बिट्रेटर्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 बात कर रहा है पावर टू स्टे लीगल प्रोसीडिंग्स वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। यहाँ पर मैंने वही अभी रिसेंटली आपके साथ बात की थी, सेक्शन नंबर 22 के साथ सेक्शन नंबर 34 इंटरकनेक्टेड है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि कोर्ट में मैटर आया है और अगर उसके अंदर पहले से ही कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो चुका है या फिर वो बताते हैं कि हम जो है आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना मैटर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उस मैटर के अंदर स्टे लग जाएगा, डेट मीन्स कि वो मैटर आगे नहीं चल सकता, लेकिन बिफोर डब्ल्यू एस फाइल करने से पहले। उसके बाद सेक्शन नंबर 35 इफेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ऑन आर्बिट्रेशन। अगर ज़्यादा पार्टीज़ हैं तो क्या होगा, लीगल प्रोसीडिंग्स पर इफेक्ट नहीं करेगी, और अगर एक दूसरी पार्टीज़ को इफेक्ट करती हैं तो वो
सेटिस्फाई नहीं है तो वो इनवैलिड अवार्ड है। किस तरीके से, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास एक्स है, वाई है, जेड है, यहाँ पर हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है, एक्स इसके साथ डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये फोर हमारे पास डिफेंडेंट है, ये फोर हमारे पास प्लेंटिफ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास जेड है वो भी, उसकी भी कॉन्सेंट है कि आर्बिट्रेशन के थ्रू हमारा मसला रिजोल्व हो जाए, ए की भी कॉन्सेंट है। अब बाकी जो जितनी भी पार्टीज हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेगा, इट मीन्स कि वो अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स को चला सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 किस चीज़ की बात कर रहा है कि पावर किसकी ज़्यादा है। अब सेक्शन नंबर 36 के अंदर हमें सिंपली ये बताया जा रहा है कि किसकी पावर्स ज़्यादा हैं, आर्बिट्रेटर्स के पास पावर ज़्यादा हैं या फिर आपकी कोर्ट्स के पास पावर ज़्यादा हैं। आप क्या समझते हैं कि कोर्ट्स के पास पावर ज़्यादा हैं, आप क्या समझते हैं कि आर्बिट्रेटर्स के पास पावर ज़्यादा हैं? डेफिनेटली पावर्स जो है कोर्ट के पास ज़्यादा हैं। किस तरीके से, जहाँ कोर्ट ने बताया कि इस डिफरेंस में आपको नहीं जाना, आप पर्टिकुलर इस चीज़ का अवार्ड दें, आप पर्टिकुलर इन दो बंदों का फैसला रखें, ठीक है, ज़्यादा आप जो है मत उलझें। आप अगर डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो उस डिफरेंस में जाकर आप जो है वहाँ पर उनका अवार्ड नहीं दे सकते, तो डेफिनेटली वो अपना अवार्ड उस डिफरेंस में नहीं देंगी, ठीक है। और अगर वो प्रोसीडिंग होती है तो वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, सीज़ हो जाएगा। इट मीन्स के कोर्ट के पास इतने भी इख्तियार आते हैं कि कोर्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को सीज़ भी कर सकती है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 37, लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल है? डेफिनेटली यस। सेक्शन नंबर 37 लिमिटेशन। अब इसके अंदर सेक्शन नंबर 37 के अंदर सबसे पहले ये बात की जा रही है कि आपका जो लिमिटेशन एक्ट 1908 है उसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं किसके ऊपर, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के ऊपर। उसके बाद बात की जा रही है सब क्लास टू के अंदर कि आर्बिट्रेशन अवार्ड जब पास होगा वहीं से आपका टाइम स्टार्ट होगा, टाइम बिगिंस। किस तरीके से कि लेट सपोज कि ऑन द डेट ऑफ 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल को क्या हुआ, 21 अप्रैल को आपके आर्बिट्रेटर्स ने एक अवार्ड दे दिया। अब आप जो है कोर्ट के पास वो ले गए 21 अप्रैल 2020 को, अब आप कोर्ट के पास ले गए 25 अप्रैल को, लेकिन वो थी 2022, तो डेफिनेटली क्या होगा, इट मीन्स के इस साल ले गए आप 2 साल के बाद, तो वहाँ पर 2 साल का टाइम भी काउंट होगा कि 2 साल के बाद आप लेकर आए, आप 2 साल के बाद लेके आए, किस तरीके से आपका जो टाइम है वो उसी दिन से काउंट हो गया था जिस दिन आपको आर्बिट्रेटर्स ने अवार्ड दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब काज ऑफ एक्शन अराइज होगा, दूसरी चीज व्हेन काज ऑफ एक्शन अराइज्ड, जब काज ऑफ एक्शन अराइज होगा उसके बाद ही आप चले जाएंगे किसके पास, आर्बिट्रेटर्स के पास, ठीक है। उसके बाद फोर के अंदर क्या बात की जा रही है, फोर के अंदर बात की जा रही है कि जो नोटिस मिलेगा वो पार्टीज भी दे सकती हैं और पार्टीज के साथ साथ आपके आर्बिट्रेटर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो नोटिस की डेट है वही काउंट होगी, किस तरीके से, जिस दिन नोटिस इशू हुआ है उस दिन नहीं, जिस दिन नोटिस आपको मिला है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में पार्टीज की कंडीशन थी स्पेशल टाइम में तो अवार्ड लेना है, ठीक है, और अगर टाइम कंप्लीट हो गया तो मजीद टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया इनलार्जमेंट ऑफ टाइम के अंदर, क्योंकि वो स्पेसिफाइड एक प्रोविजन है हमारे पास इनलार्जमेंट ऑफ टाइम का, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेट सपोज कि हमारे पास पर्टिकुलर एक टाइम बता दिया गया 1 मंथ का, कि 1 मंथ के अंदर आर्बिट्रेटर्स को अपना अवार्ड पेश करना है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर अवार्ड 1 मंथ के अंदर नहीं आता तो फिर उसको इनलार्ज भी किया जा सकता है और जो आपका लिमिटेशन है यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 38 सिंपल है, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, सेक्शन नंबर 38 हमें ये बता रहा है कि लेट सपोज जो आपके आर्बिट्रेटर्स हैं वो आर्बिट्रेटर्स आपको फैसला नहीं सुना रहे, वो आर्बिट्रेटर्स आपको फैसला नहीं सुना रहे, किस वजह से कि आप उनको फीस नहीं दे रहे, आप उनको मुआवजा नहीं दे रहे। अब मुआवजा कौन सा, अब मुआवजा वो जो आपने तय किया उनके साथ वो आप नहीं दे रहे, या फिर आप उनको ऐसा लगता है कि ये मुआवजा हमें नहीं देंगे, तो फिर कोर्ट जो है उनको डायरेक्शन देगी, कोर्ट उनको ऑर्डर करेगी, किस चीज़ का, कोर्ट उनको ऑर्डर करेगी कि आप इनको इनका अवार्ड दे दें,
ठीक है, आप अपनी डिसीजन, आप अपना फैसला सुना दें, उसके बाद कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कोर्ट आपको वो मुआवजा लेकर इनसे देगी। ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद अपीलेबल ऑर्डर, इसका जो सेक्शन नंबर 39 है, अब ये चैप्टर हो गया ख़त्म। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपील्स पर। अपील्स के अंदर क्या बात की जा रही है, अपील्स के अंदर बात की जा रही है अपीलेबल ऑर्डर। अपीलेबल ऑर्डर के अंदर कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जहां पर अपील दाखिल हो सकती है। सबसे पहली चीज़ सस्पेंडिंग एन ऑर्डर, सस्पेंडिंग एन आर्बिट्रेटर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ और एन अवार्ड स्टार्टेड ऑन द फॉर्म ऑफ स्पेशल केस, जहां पर स्पेशल केस की बात की जाए। उसके बाद है मॉडिफाइंग और करेक्टिंग अवार्ड, करेक्टिंग अवार्ड या फिर मॉडिफाइंग अवार्ड, वहां पर आप अपील दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फाइलिंग और रिफ्यूजिंग टू फाइल एन आर्बिट्रेशन अवार्ड, या तो फाइल करना या फिर रिफ्यूज़ टू फाइल करना। उसके बाद है स्टेइंग और रिफ्यूजिंग टू स्टे लीगल प्रोसीडिंग वेयर देयर इज़ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जहां पर आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वहां पर आप जो है रिफ्यूज़ करते हैं। उसके बाद है सेट असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड एन अवार्ड, अवार्ड को सेट असाइड करना या फिर रिफ्यूज़ टू सेट असाइड करना। उसके बाद है किसी और कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते, आप अपील सिर्फ और सिर्फ वहीं कर सकते हैं कि जहां पर आपका कोर्ट आए, जहां जिस कोर्ट में आप जो है अपना मैटर लेके गए थे या फिर जिस कोर्ट ने आपको रेफ़र किया था उन आर्बिट्रेटर्स के थ्रू। ठीक है, और यहां पर ये बात की जा रही है कि नो अपील शल लाए, यहां पर कोई सेकेंड अपील लाए नहीं करती, यहां पर कोई सेकेंड अपील लाए नहीं करेगी। और थोड़ा इसको अगर हम सुपरसीड करें सेक्शन नंबर 39 को, तो सेक्शन नंबर 39 अगर हम देखें अपने, नो सेकेंड अपील शल लाई फ्रॉम द ऑर्डर पास इन अपील अंडर दिस सेक्शन। अच्छा, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि सेकेंड अपील आप दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो राइट है किस कहाँ पर अपील दाखिल करने का, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का, तो वो आपका राइट रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 40 स्मॉल काजेस कोर्ट्स की बात की जा रही है। हमने रिसेंटली पढ़ लिया था डेफिनेशंस के अंदर कि स्मॉल काजेस कोर्ट्स का कोई अमल दखल नहीं है आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर। ठीक है, आर्बिट्रेशन, उनको आर्बिट्रेशन एक्ट में नहीं माना जाएगा। उसके बाद है 41 प्रोसीजर एंड पावर ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट के अंदर कौन सा प्रोसीजर चलेगा एंड पावर ऑफ कोर्ट। प्रोसीजर एंड पावर की बात की जा रही है यहाँ पर। अब प्रोसीजर के अंदर अगर हम देखें तो प्रोसीजर के अंदर हमारे पास आ जाता है सीपीसी 1908। ठीक है, सीपीसी 1908 आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कोर्ट के पास पावर है कि वो आर्बिट्रेशन के दौरान भी ऑर्डर कर सकती है। कोर्ट के पास क्या पावर है, कोर्ट कैन गिव ऑर्डर ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत, ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ आपको क्या रखनी है कि इस एक्ट के तहत जहाँ जहाँ पर जिस प्रोविजन के अंदर डिफाइंड है वहाँ वहाँ उस प्रोविजन के तहत ही कोर्ट जो है उनको ऑर्डर कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। और इसके अंदर जो प्रोसीजर एडॉप्ट होगा वो होगा सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 42 किस चीज़ की बात कर रहा है, सर्विस ऑफ नोटिस बाय पार्टी और आर्बिट्रेटर। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो आपका नोटिस है वो आपकी एक पार्टी दूसरी पार्टी को भी दे सकती है और आर्बिट्रेटर भी दे सकते हैं। किस तरीके से, या जब नोटिस होगा, जब नोटिस किया जाएगा पार्टी को, प्लेंटिफ डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट को नोटिस करना चाहता है तो प्लेंटिफ खुद भी उसको नोटिस दे सकता है या दिलवा सकता है, या फिर आपका जो आर्बिट्रेटर्स हैं उन आर्बिट्रेटर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है उनको नोटिस कर दें। उसके बाद है अब जो नोटिस किया जाएगा, अब जो आपका नोटिस हो रहा है वो होगा थ्रू द पोस्ट, अगर पोस्ट के ज़रिए से आप कर रहे हैं तो वो होगा किसके, पोस्ट एक्ट के तहत। ठीक है, और पोस्ट एक्ट के अंदर कौन सी बात लिखी गई, पोस्ट एक्ट के अंदर ये बात लिखी गई है कि उसका जो एड्रेस है वहाँ पर उनको देके आनी है। अगर वो वहाँ पर रिजाइड नहीं करते, जो उसका लास्ट एड्रेस था वहाँ पर आपको देकर आनी है उसकी जो भी पोस्ट है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 43। सेक्शन नंबर 43 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट इशू प्रोसेस फॉर अपीयरेंस बिफोर आर्बिट्रेटर। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि अगर आर्बिट्रेटर को ज़रूरत पड़ती है किसी को एग्जामिन करने की, पावर ऑफ कोर्ट इशू प्रोसेस फॉर अपीयरेंस बिफोर आर्बिट्रेटर।
अपीयर हो आर्बिट्रेटर के सामने। अब आर्बिट्रेटर के एक नोटिस पर जो आपका विटनेस है या आपकी कोई भी पार्टी है वो अपीयर नहीं होती। आपने अक्सर सुना होगा कि आपके खिलाफ ख़त आ गया है, फलां वडेरे के ने आपके खिलाफ ख़त भेजा है, ठीक है, नाम नहीं लेता। तो एक कोई भी शख्स अगर ये देखता है कि चिट्ठी आई है या फिर ख़त आया है फलां वडेरे ने भेजा है, तो वो जो है एक किस्म का डर जाता है या फिर वो चला जाता है। अब वो जाने से पहले ये सोचता है कि मैं जो जा रहा हूँ तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो आर्बिट्रेटर के नोटिस करने पर अगर वो पार्टी अपीयर नहीं होती तो फिर क्या कोर्ट जो है कोर्ट उसको अपीयर होने के नोटिस दे सकती है? नहीं, डेफिनेटली दे सकती है। कोर्ट उसको नोटिस देगी एग्जामिन करने के लिए। अब आर्बिट्रेटर को किसी भी विटनेस को एग्जामिन करना है, ठीक है, तो ये आर्बिट्रेटर को किसी विटनेस को एग्जामिन करना चाहती है तो नोटिस कोर्ट देगी, कोर्ट नोटिस देगी, यहाँ पर आर्बिट्रेटर नोटिस नहीं देगा, ठीक है। और अगर कोई रिफ्यूज़ करता है, वहाँ नहीं जाता, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको डेफिनेटली पनिश किया जाएगा। उसको पनिशमेंट मीन्स कि उसके ऊपर कोई कंपनसेशन वगैरह लगाई जाएगी। और यहाँ पर आपका सेकेंडली कमिश्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है। कमिश्नर अपॉइंट होगा सेक्शन 75 ऑफ CPC, सेक्शन 75 ऑफ CPC के तहत, ठीक है। अब जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ, वो कमिश्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कमिश्नर जो है विटनेस को एग्जामिन करे या फिर जो है जो भी साइड एरिया उसको जाके देख कर आए। अब यहाँ पर लेट सपोज जो आपका विटनेस है, ये विटनेस, अब वो विटनेस किस तरीके में होगा? अच्छा, यहाँ पर कमिश्नर जो अपॉइंट होगा, ये इसके आपके पास दो ग्राउंड्स होने चाहिए। एक ग्राउंड तो कोई कोई पर्दानशीन लेडी है। अब पर्दानशीन लेडी कौन सी होती है? आपने नया वर्ड हो सकता है सुना, पर्दानशीन लेडी मीन्स वुमेन ड्यू टू द कस्टम्स और ड्यू टू द रिलीजन कैन नॉट कम इन द पब्लिक। पब्लिक में वो औरत जो है नहीं आ सकती। आपने अक्सर सुना होगा कि सैयद एक जो है बहुत एक आला जात है और उनकी जो खवातीन है वो पब्लिक में नहीं आती, पर्दानशीन लेडी है। या फिर एक कोई भी ऐसी लेडी जो अभी इद्दत गुजार रही है, इद्दत का पीरियड गुजार रही है, ठीक है, तो वो जो है घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो पर्दा नशीन लेडी ड्यू टू द कस्टम्स ड्यू टू द रिलीजन वो जो है घर से बाहर नहीं निकलती। तो अब क्या होगा? अब उसको एग्जामिन करने के लिए, अगर वो विटनेस है तो उसको एग्जामिन करने के लिए कमिश्नर अपॉइंट होगा। सेकेंडली दूसरा ग्राउंड हमारे पास कौन सा है? दूसरा ग्राउंड हमारे पास ये है कि जो आपका विटनेस है इज इन जेल, देट कैन बी सिविल और क्रिमिनल। आपका जो विटनेस है वो जेल में है, क्रिमिनल मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है या फिर सिविल मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है, तब कमिश्नर अपॉइंट होगा, उसको जाके एग्जामिन कर कर आए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 44 की तरफ। सेक्शन नंबर 44 के अंदर किस चीज़ की बात की जा रही है? कि हाई कोर्ट की बात की जा रही है कि हाई कोर्ट अपने रूल्स बनाएगी इस आर्बिट्रेशन एक्ट को मजीद चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 45 गवर्नमेंट टू बी बाउंड, यहां पर सेक्शन 45 बात कर रहा है कि गवर्नमेंट को बाउंड होना पड़ेगा, गवर्नमेंट टू बी बाउंड फॉर आर्बिट्रेशन। कि अगर आर्बिट्रेशन का फैसला नहीं आया या फिर उसके अंदर गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि गवर्नमेंट जो है आर्बिट्रेटर्स की कुछ हेल्प कर दे, तो गवर्नमेंट बाउंड है उनको आंसर करने के लिए, गवर्नमेंट बाउंड है उनको उनकी फुल सपोर्ट करने के लिए, उनको फुल हेल्प करने के लिए। ये हमारा था सेक्शन नंबर 45। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 46। सेक्शन नंबर 46 बात करता है किस चीज़ की? कि जहाँ कोर्ट की मुदाखलत है वहाँ आर्बिट्रेटर बाउंड है उस पर अमल करने के लिए। अब वो कौन कौन सा सेक्शन है? वो सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 6 का सब क्लास 2, 3 और 4, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर हमारे पास आ जाता है 7, 36 और 37, ठीक है। अब जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पर कोर्ट जो है मुदाखलत कर सकती है अवार्ड के प्रोसेस में, अभी टाइम पड़ा है या फिर जो है आर्बिट्रेटर्स का सिलसिला भी चल रहा है, डिसीजन अभी नहीं दिया उन्होंने अभी तक अवार्ड पास नहीं किया, उससे पहले अगर आप देखते हैं कि कोर्ट जो है अवार्ड से पहले मुदाखलत कर सकती है, तो वहाँ पर कोर्ट अगर मुदाखलत कर सकती है तो वहाँ पर कोर्ट अगर मुदाखलत कर रही है तो फिर जो आपके आर्बिट्रेटर्स हैं वो बाउंड है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको रिफ्यूज़ करने के लिए। ऐसे नहीं होगा कि आर्बिट्रेटर्स अपनी मर्ज़ी चलाएं, आर्बिट्रेटर उनकी
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है कोई मुदाखलत नहीं करें, उन वो अगर आ रहे हैं वो अपनी मुदाखलत करें, उनको करने देंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 47 हमें सिंपली ये बात कर रहा है कि ये एक्ट तमाम के तमाम आर्बिट्रेशन के ऊपर अप्लाई होगा। डेट मीन्स के अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जितने भी आपके अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैं उन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल है, आपका जो भी ये एक्ट है आर्बिट्रेशन एक्ट। इट मीन्स के पूरे पाकिस्तान के अंदर, हमने अभी सेक्शन 1 के अंदर ही डिस्कस की थी ये चीज़। उसके बाद सेक्शन नंबर 48, दिस एक्ट हैज़ नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, किस तरीके से कि ये जो एक्ट आपका पास हुआ है, ये पास जिस दिन हुआ था उसके बाद जितने भी आपके सिलसिले हैं, जितने भी आपके प्रोसीडिंग्स हैं, उनको तो आप जो है थ्रू सेटलमेंट करवा सकते हैं आउट ऑफ द कोर्ट, लेकिन उस इस एक्ट के पास होने से पहले जो भी मैटर्स थे उनको आप नहीं करवा सकते। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का।